हर कलाकार के एक जो सेंसिटिविटी होती है कि कोई चीज़ उसको जो दिल को छू जाती है, दिमाग को छू जाती है, तो वो वही पेंट करता है। तो मैं जब इनसे मिली थी, ये जितने अच्छे कलाकार हैं पूरे पूरे के पूरे सब उतने ही अच्छे इंसान भी है। इतने अंदर से ऐसी मतलब पवित्र आत्मा जो होती है, जो बहुत खूबसूरत लोग होते हैं, इनसे मिलकर मुझे ऐसा लगा कि मैं वो खूबी को पेंट करूं, वो सुंदरता को मैं अपने रंगों के जरिए और लोगों तक भी पहुंचाऊं उनकी खूबसूरती को। और इसलिए मैंने ये सब बनाया, इनकी पूरी फिल्मी यात्रा के अलावा इनके पूरे सफर का, जब से आरके का ये शुरू हुआ था। और रणधीर जी के बारे में तो मैं बोलने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है कि ये कितने अच्छे इंसान हैं, और इनकी वजह से ही आज ये शो संभव हो पाया। और जो एक कला की मजबूती जो इन्होंने हिंदुस्तान को दी और पूरे विश्व में जो नाम हुआ हमारे देश का, देश विदेश में, राज कपूर जी, पृथ्वीराज कपूर जी, और इनके यहाँ तो जिनका भी नाम लो वही टैलेंटेड है, बच्चे बच्चे तक। और राजीव जी की भी आपने सबने देखी ही होगी फिल्म, क्या सुपर हिट थी वो, राम तेरी गंगा मैली। और उसकी जो गंगा की जो पवित्रता होती है, जो सबसे उम्दा जल जो हमें भारत में उपलब्ध है, वैसे ही सबसे उम्दा कलाकार हमारे भारत में उपलब्ध है। होंगी कि रणधीर जी दो शब्द बोले इस शो के बारे में। मैं आप सबका आभारी हूं कि आप सब आए गीता जी के शो पर। मुझे पता नहीं मैं बोलूं क्या, गीता जी मुझे शर्मिंदा करती हैं। ये महान है जो मुझे इसके काबिल समझती हैं, मुझे इस योग्य समझती हैं कि हमेशा आती हैं और मेरा इतना आदर सत्कार करती हैं, इतना प्यार करती हैं, स्नेह देती हैं। इनका सारा परिवार, इनकी माता जी, इनकी बेटी रानी, मैं हमेशा इनका आभारी रहूंगा कि इन्होंने मुझ में कुछ गुण देखा है। थैंक यू वेरी मच गीता जी। I am forever grateful to you. Not only me, my entire family will be very grateful to you for all the kind thoughts that you have interpreted in your paintings. And jo aapne itna waqt nikala in tasveeron ko banane mein, main aapka aabhari hu tehe dil se. Shukriya, and shukriya dosto for coming here and giving her a big hand and helping me applaud her. थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। आपने जो इनके भाव सुने उसी से पता चलता होगा कि ये कितने बड़े हैं। इंसान बड़प्पन से बड़ा होता है जो इन लोगों में कूट कूट पर भरा है। राजीव जी, आपसे मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। आप सब लोग जो है उपस्थित है, आप लोग ने इन्हें इंकरेजमेंट देने के लिए थैंक यू।
और ये जो आपके अंदर जो कला है इसे जारी रखिए और खूबसूरत पेंटिंग्स बनाइए ताकि आपकी खूबसूरती जो आपके अंदर है वो बाहर आके लोग उसे देख सके. एंड यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एज वेल. थैंक यू. थैंक यू सो मच. ये खुद इतने बड़े कलाकार हैं और इसीलिए जो अंदर की खूबसूरती होती है वो किसी भी कला के जरिए हम लोग बाहर निकालते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं. यही किसी भी कलाकार का मकसद होता है. और जब सब्जेक्ट ही इतना खूबसूरत है तो पेंटिंग्स तो अच्छी बननी ही थी. इसमें मेरी तो कोई खूबी नहीं है, खूबी सारी इन्हीं लोगों की है. और मैं चाहूंगी कि पीटी जी स्टेज पर आए और इनको सम्मानित करें. हाँ जी वो भी कर लो सब. चले आप लोगों का तो मुझे 2 मिनट का मौका दीजिए. अब हम भारतीय सभ्यता के अनुसार जो अपना लैंप लिट करके शुरुआत करते किसी भी शुभ कार्य की, तो चाहूंगी कि रणधीर जी अपने शुभ हाथों से. एप्पल ग्रुप के तरफ से